बच्चे जब क्लास में बोर होते हैं ना तो पता क्या करते हैं, मतलब जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आपको नींद आ रही हो तो ऐसे करते हैं। आज मैं कल ही आई पहली बार कॉलेज से यहाँ। वैसे एक हेल्प कर दी थी किसी ने, मैं थक गई हूँ। अब से ना मैं वो सन ग्लासेस लगा के जाऊंगी, बहुत हो गया। देख पसीना कितना है, देख देख देख। सो बस इतनी इंग्लिश है मेरी। आज मैं इतनी लेट हो गई कॉलेज से, इतनी लेट कि मैं क्या बताऊं। मैं डेंटल वाले डिपार्टमेंट में आई हूँ, यहाँ से कॉलेज कितना लग रहा है ना। सेकंड फ्लोर, वो देखो बच्चे लोग डेंटल वाले डिपार्टमेंट में सेकंड फ्लोर में यहाँ है। ये डिपार्टमेंट्स देख लो बीडीएस वालों, वो देखो चिड़िया ने कहाँ घोंसला बनाया यार, और वो दिख नहीं रही, अपने बच्चे को खाना खिला रही है बता। ये देखो मेरी क्लास के बच्चे आ रहे हैं, मुझे कुछ करने को नहीं मिल रहा तो मैं ये कर रही हूँ। क्या करूँ, कोई अकेली आ गई हूँ, कोई आया भी नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, वेट कर रहे हैं। देखा आ रही है, ये देखो बीडीएस वाले बच्चे। अरे यार ये शीशा साफ, क्या बोल रहे हैं आप, मेरा पसीना चल रहा है, बोलिए। अरे बोलिए, गर्मी ज्यादा है ना, और कुछ सेम टू यू। जा रहे हैं सब क्लास के अंदर। अरे यार इतने बच्चे, फैंस तो अच्छे चल रहे हैं है ना, कम से कम मेरे सिर पे है। बाकी सब तो ठीक है, पर मैम अगर वहाँ खड़ी होंगी तो उनकी आवाज़ यहाँ तक आएगी। आपका क्या कहना है इसमें? ओह अच्छा, यहाँ माइक होगा। ये अच्छा है, ये देखो देखा बस ये, और कुछ, और वो नारुतो वो क्या करता है। ये बताएंगे नारुतो क्या करते हैं, आज तक मुझे पता नहीं चला, पर आज ये बताएंगे। नारुतो इससे एनीमे, दैट्स ऑल, बस आप भी देखो मैं भी। सब ये बोल देंगे, आप भी देखो, आप भी देखो, हम भी देखेंगे, ठीक है टाइम निकाल के। आप भी देखेंगे? नहीं, ये मैम आगे कुछ बोल रही हैं, लेकिन क्या बोलते हैं अभी नहीं बोल रही, अभी तो बच्चा सेंटरी की है, मुझे डर लग रहा है कि आगे कुछ बोल रही हैं पर यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि हम पूरे पीछे बैठे हुए हैं। मैं अभी बैठ के यहाँ फाइव स्टार खा रही हूँ। ये क्लास देख के मुझे पता है कौन सी मूवी याद आ रही है, मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस, हाँ उसमें वो पूछता नहीं क्वेश्चन कर देते, वो याद आना मुझे, इतनी बड़ी क्लास है ना। कुछ समझ आया? देखा कितनी सुंदर लग रही है ये मैम, आगे बैठी हुई है ना इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। यही ब्लॉग में डाल दूँगी, क्या करूँ ब्लॉग ऐसे बनता है ना, तो वो मेरे से बन नहीं रहा, अभी सब देखेंगे फिर, इसलिए मैं स्नैपचैट पे ऐसे बना रही हूँ। बच्चे जब क्लास में बोर होते हैं ना तो पता क्या करते हैं, मतलब जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आपको नींद आ रही हो तो ऐसे करते हैं जो आर्टिस्ट। हाँ हाँ ठीक है, अरे मैं थोड़ा ऑफ कर दूँगी यार। या मैं क्या बोल रही थी, सुनाई दे यार। हाँ जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना वो ये करते हैं। और जो नॉन आर्टिस्ट होते हैं ना मेरे जैसे, वो सिर्फ ये लिखते हैं। वो कितनी बड़ी क्लास थी, इनको भी मेरे साथ रह रहे क्या असर हो गया। एनसीसी वाले हमारी क्लास में है और फिर
जैसे मैंने क्लास में एंटर किया ना, मेरे फेस पे कितनी बड़ी स्माइल आई ना। वो आगे पूछ मतलब बताने लगे पहले एनसीसी के बारे में क्या होता है ये सब, वो आपने देख लिया होगा, मैं डाल दूंगी बीच में। ऑफिसर टाइप वाली है जिससे अगर आप किसी से भी बात करें तो उस बंदे को लगे कि आप इस बंदे ने बात की है, ठीक है? कौन इंटरेस्टेड है? एनीवन इंटरेस्टेड? रेज योर हैंड। और कोई इंटरेस्टेड है? और कोई इंटरेस्टेड है? और मैं चाहती थी कि मैं ऐसे करूँ कि हाँ मैं हूँ इंटरेस्टेड, मेरा नाम लिख दो, पर नहीं लिख सकते मेरा नाम, मतलब मैं चाह के भी एनसीसी में अपना नाम नहीं लिखवा पाई। अगली वीडियो में दीदी मेरे पीछे जो नाम लिख रही है ना, वो एनसीसी वाली थी। नाम लिखने थी मेरे पीछे जो लिखवा रहे थे लड़के अपना नाम, और मेरा मन कर दीदी ये राव मैं भी लिखवा लूँ। बस चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ऑटो तो मिल गया, पर ऑटो तभी चलेगा जब पूरा भर जाएगा। थोड़ा सा ना बता रहा मुझे। तो मैं घर आ गई, कॉलेज में मैंने जॉब शुरू तो किया था बट हो नहीं पाया पूरा। आज मेरे साथ क्या हुआ बताएं, ब्रेक टाइम था ठीक है, और मैं अपनी क्लास में बैठी थी फर्स्ट एक्स में, और थोड़ी देर बाद ना सीनियर्स आते हैं वो आ गए, फिर पूछने लगे और कैसे हो, मतलब स्माइल करने लगे, मैं भी स्माइल करनी, तो फिर करते हैं कि मतलब सब ठीक चल रहा है, नया नया सब मतलब अच्छा हो गया। मुन्ना जी तो मतलब मैंने बोला आप सीनियर हो, तो करते हैं हाँ जी, मैंने बोला अच्छा। फिर ना वो आपस में बात करने लगे और करते कैसे यार रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, मैं करती कर रहे हैं रिस्पेक्ट, तो ऐसे करके मैं हंसी, मतलब कि ऐसे हंसी में मेरे टोन ये थे कि कर रहे हैं रिस्पेक्ट यार ऐसे। और एक तो अभी नए नए हैं तो पता ही नहीं है कि कौन सीनियर है, अभी तो क्लासमेट्स जो हैं उनके चेहरे याद नहीं हुए कि कौन अपना क्लासमेट है कौन नहीं। मैंने पहले ही पूछ लिया कि आप सीनियर्स हो, तो उन्होंने बोला हाँ जी, तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर वो पूछने लगे और क्या क्या लेक्चर हो रहे हैं वो। और वगैरह वगैरह ऐसे सारा, फिर ऐसे बातें फैल जाती हैं कि बेटा सीनियर्स हैं ना तो हम उसे अच्छे से होता है ऐसे रोड वे में नहीं बोलते, तो मैम बोला नहीं मैम रोड में मैंने नहीं बोला, रोड वे में नहीं बोला। करते कि नहीं उनको लगा कि आपने मतलब रोड वे में बोला थोड़ा, मैम बोला नहीं मैम मैंने तो ऐसे बोला कि कर रहे हैं रिस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैम चले गई, मैम बोला चलो कोई बात नहीं होता है। तो आगे दो तीन सीनियर, दो तीन नहीं पता नहीं 10-12 आए थे शायद, 10-12 हाँ आगे सारे। और जब वो आ रहे थे तो मुझे पता था कि मेरे ही बारे में बात होगी, वो कुछ मुँह खोलो तो भी प्रॉब्लम, नहीं खोलो तो भी प्रॉब्लम। मैंने इतने अच्छे से, मैं हमेशा इतने अच्छे से बात करती हूँ ना, इतनी अच्छे से रिस्पेक्ट देती हूँ सबको, तो क्लासमेट्स होते हैं ना क्लासमेट्स में ऐसे तू करके भी बोल सकते हैं कैसे भी, तो इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया, या तो मैं पहले ही नहीं पूछती अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट करनी होती ना। हाँ तो फिर सीनियर जब आए तो मुझे पता था मेरे लिए आए हैं ये। मैंने बोला कि ब्रेक टाइम में अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे आपकी क्लास में, तो किसी ने उनसे डिसरिस्पेक्ट की, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया लेकिन ऐसे ही बोला, ठीक है। तो मुझे तो पता था कि मेरे बारे में बोल रहे हैं क्योंकि मैम मेरे को पहले बोल के चले गए थे, मैंने हाथ खड़ा कर दिया था कि मैम मैं ही हूँ। मैं ही हूँ वो इंसान यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी। पता नहीं वो है ना किसको कब कौन सी बात बुरी लग जाए पता नहीं, ऐसे उन्होंने सीनियर्स ने बताया कि आगे से हमें ये जवाब मिला कि कर तो रहे हैं। तो एक तो मैंने उन्हें बुला लिया कि आप सीनियर हो ये वो, या उन्होंने भी जो बात की, और वो मेरे पे भारी पड़ गया वो मेरे पे भारी पड़ गया कि इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया। मैं तो इतना लाइव
प्यार से बोला था यार, इतने इतना हंस के बोला था ना, इतना मैं स्माइल फेस, हमेशा मेरा स्माइलिंग फेस रहता है, कभी कभी ये होता है कि मैं ऐसे सीरियस हो जाती हूँ। अच्छे से बोल के गए वो, देख हो रहे थे मुझे सारे क्योंकि एक दूसरे को उन्होंने बोल ही दिया हुआ ना कि यही है वो लड़की। क्या मैं तो इतनी शौक थी ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मैं हूँ। मतलब मैं अगर मैं बात नहीं करती, मैं चुप रहती ना, तो ही मेरे लिए बढ़िया होता। सही पकड़े हैं। तो इसलिए मैं सोचा व्लॉग में डाल देती हूँ। अब व्लॉग मैंने शूट नहीं किया, इसलिए मैं स्नैपचैट पर बना रही थी कि क्योंकि स्नैपचैट पर मेरी आदत है ना बनाने की मेमोरीज, तो इसीलिए मैं अभी बना रही थी। तो मैं सोचा व्लॉग में भी डाल ही देती हूँ यार, एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा। ये लाइन में ना कर रहे हैं रिस्पेक्ट और कर तो रही हैं रिस्पेक्ट में, ये जो तो वर्ड आ गया ना, इसने इतना चेंज कर दिया ना सारा सेंटेंस। बस फिर और क्या, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना, मुझे लगा कि व्लॉग में डाल दें यार, जो नए फ्रेशर्स आएंगे ना वो कहीं ऐसे ना कर। बस फिर और कुछ नहीं, उनको गलत फहमी होगी। क्या बोलने वाली थी?